मुंबई नगर निगम ने बंबई उच्च न्यायालय में मंगलवार को दाखिल हलफनामे में कहा है कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद आदतन अपराधी हैं, जो पहले दो बार विध्वंस कार्रवाई के बावजूद उपनगरीय जुहू में एक रिहायशी इमारत को अनधिकृत तरीके से निर्माण कार्य करवाते रहे। बीएमसी ने पिछले साल अक्टूबर में सोनू सूद को नोटिस जारी किया था। उस नोटिस को सूद ने दिसंबर 2020 में दीवानी अदालत में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने इसकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने बीएमसी को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। बीएमसी ने अपने नोटिस में आरोप लगाया था कि सूद ने 6 मंजिल शक्ति सागर रिहायशी इमारत में ढांचागत बदलाव करके उसे वाणिज्यिक होटल में तब्दील कर दिया है। नगर निकाय ने अपने हलफनामे में याचिकाकर्ता को आदतन अपराधी कहा है और अनधिकृत कार्य से पैसा कमाना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने लाइसेंस विभाग की अनुमति के बगैर ध्वस्त किए गए हिस्से का एक बार फिर अवैध रूप से निर्माण कराया है ताकि इसे होटल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। बीएमसी ने सितंबर 2018 में अवैध निर्माण के लिए प्रारंभिक कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन सूद ने अवैध निर्माण जारी रखा। 12 नवंबर 2018 के अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की शुरू की गई थी कार्रवाई। इसके बाद से अब बीएमसी ने उन्हें अब आदतन अपराधी बता दिया है। ये वो सोनू सूद है जिन्होंने देश के लाखों गरीबों को उनके घर तक पहुंचाया था और सबकी मदद की थी, लेकिन ऐसा सोनू सूद ने क्या कर दिया है कि अब मुंबई की बीएमसी जो है उन्हें अपराधी तक बता रही है। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.